हेमंत बाबू, हम जो आज फिल्म में हैं, हम लोग यहाँ से आपने पहाड़ से मुकाम बनाया और वहाँ तक आप चले गए, तो आज भी नव युवक आपके पास आते हैं, मुंबई में आते हैं, वहाँ आते हैं और एक बड़े सपने हैं लोगों के। और चूंकि हम लोग अपनी लोक कला से या अपने शास्त्रीय कला से वो भटके बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो उस संदर्भ में आप थोड़ा, क्योंकि आपको कई किस्म के अनुभव इसमें हैं, इतने वर्षों से आप इस फिल्म जगत में लगे हैं और लोगों के बड़े सपने हैं और उन सपनों को तत्काल बिना रियाज के लोग पहुंच जाते हैं, जबकि बहुत रियाज इन चीजों में। हाँ, क्योंकि ये बात तो बड़ी सच है कि प्रैक्टिस से जो आदमी परफेक्ट बनता है, और इस बात को बड़े बिलीव के साथ बोला जा सकता है, ट्रेनिंग के बल पे, रियाज के बल पे जब आत्मघाती बम बनाए जा सकते हैं तो अच्छे इंसान बनाए जा सकते हैं, अच्छे कलाकार बनाए जा सकते हैं, अच्छे गीतकार बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। तो इसलिए मुझे लगता है तजुर्बा ही जिंदगी में काम आता है। क्योंकि आपकी प्रारंभिक भी, जैसे आपके विद्यालय फिर महाविद्यालय, वहाँ से आप, देखता हूँ कि मंच से ही आप निकले, मंच से ही शुरू हुआ और हमारा लोक जीवन ही हमको देता है, तो हमारा इतना समृद्ध हमारी परंपराएं हैं, उसके बाद जाके बहुत ज्यादा चीजें करने को मिलती है, फिर कुछ अपने अनुभव भी इसमें जुड़ते जाते हैं और अच्छी संगत भी हमको देती जाती है, उसको जोड़ती रहती है। लेकिन जो अब नए बच्चे हैं वो उसमें एकदम से, मतलब बहुत बिना कुछ करे, वो सोचते हैं अगले दिन हम गायक अच्छे बन जाए, अगले दिन हम प्रोड्यूसर बन जाए, अगले दिन हम राइटर बन जाए, अगले दिन हम एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा हो। और जैसे फिल्मों में चलता है कि बहुत सामान्यतः युवतियां, तो अगले दिन, क्योंकि उसकी, उसको ग्रामर उसकी बहुत जरूरी है सर, तो ग्रामर के लिए किस किस्म का करना चाहिए बच्चों को आजकल? नहीं, वो तो देखो आपकी बात है, एक मिनट में ये ग्रामर रामर एक मिनट में फेल हो जाएगा, जब मैं अगर ये बोलूंगा कि अगर बच्चे के भाग्य में है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, ना ही उसको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। भाग्यवान अगर आप हैं तो चार गुणवान लोग आपके पीछे रहेंगे ही रहेंगे, तो इसलिए मैं इस बात को भी बड़े बिलीव के साथ मानता हूँ, क्योंकि आपके भाई नहीं, क्योंकि पहाड़ों से भी लोग जाते हैं, लड़के जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं, ऐसा नहीं होता कि सब सक्सेस होते हैं, भले वो टैलेंटेड थे, यहाँ उनके माँ बाप ने मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बेटी, पूरा खानदान को आग हिला करके बर्बाद करके बम्बई भेज दिया या बम्बई ले आए या चले गए, लेकिन वहाँ बेचारा कुछ हो ही नहीं पाता। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे कई परिवारों को मैंने देखा है बॉम्बे के लालच में या फिल्मों के उसमें अपना व्यक्तिगत जीवन भी, पति पत्नी में भी उनका प्रॉब्लम रहती है और बच्चों के साथ भी, वो संस्कार जीवन सब खो रहे हैं कुछ पाने के चक्कर, तो वो मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत गहरा आपने कहा, बहुत बढ़िया बात, क्योंकि इससे अच्छी सबसे पहले संस्कार है, फिल्म उसके बाद आती है कि जीवन हमारी एक फिल्म है, तो उस फिल्म को हम मुंबई में जाते हैं जो कि आज करने के लिए, बहुत से लोग तो रोटी के लिए लगे, तो हम यहाँ जो आयोजन होते हैं या मुंबई या महानगरों में होते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि हमको एक चकचकाहट, एक झमझमाहट दिखानी पड़ती है मंच, बहुत कम समय में तो उसका अवतरण करना पड़ता है, हमारे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, यहाँ के जौहारी जो भी संस्कृतियाँ हैं, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट आर्टिस्ट ऐसे कई बार नहीं जा पाते, होता है कि मुंबई घुमाए फिर वहाँ से आके जैसे बताते हैं कि हम वहाँ घुमाए, वहाँ वो कराए, तो उनके लिए भी आप एक संदेश जरूर इसमें कहें कि वो वहाँ से आते तो पूरी तैयारियाँ के साथ आए वहाँ पर, और उन लोगों को जो वहाँ पर प्रवासी बन चुके हैं सर, लौट के उनको आना मुश्किल है, ऐसा बहुत कम लोग हैं आप जैसे जो कि बराबर जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ से मिट्टी, खाद और ककड़ी और गद्दू, इनसे इस तरीके से आपका अंदर से ऐसे जुड़े हुए लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग परिस्थिति बस नहीं आ पाते, उनको उसी से मोह हो जाता है, जैसे भोपाल में देखा, गुजरात में देखा, पर्वतीय लोग सब जगह हैं, तो दिक्कत वही होता है उनके, वो तक जाते हैं रंगोली पिछौड़ी से प्रतीकात्मक वो कर पा रहे हैं, तो उनके आगे यहाँ के विशुद्ध लोग जाए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात बोली कि वो प्रतीकात्मक तरीके से वो रहते हैं, लेकिन आप उनके पहाड़ प्रेम को कम नहीं कह सकते या उसको गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैंने इसी पहाड़ों में रहने वाले कई लोगों को पहाड़ की धरती के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने गांव के प्रति वो स्नेह नहीं है, वो खाली दिखावा है, वो उसी शहर में रहते हैं और अपने गांव वो साल साल भर नहीं जाते, क्योंकि 25-30 रुपए का जीप का टिकट लगता होगा, बस का भाड़ा लगता है और गांव में कुछ है नहीं, तो इसलिए उन लोगों को गलत नहीं ठहरा सकते आप, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ भी हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह बॉम्बे में रहते हैं या विदेश में रहते हैं या किसी और जगह दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह शिद्दत के साथ जुड़े हुए, मैंने इस आयोजन में भी मैंने देखा कई लोगों को,
चाहे वो मनोज चंदोला हो या उनकी पूरी टीम हो या यहाँ के लोग हो, हल्द्वानी ऑनलाइन जो है उसके बच्चे हैं, बस अपना लगे हुए हैं, बाहर भी हैं तो वो जुड़े हुए पहाड़ से, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं पहाड़ के लड़के जो जिनसे मिलके आपको बहुत खुशी होती है कि अचानक किसी अलग देश में भी आगे वहाँ भी कोई लड़का बोलता सर मैं फलाने का हूँ, मैं देहरादून से हूँ या यहाँ से हूँ, जो भी हो, तो बड़ी खुशी की बात होती है कि उनका स्नेह वाकई में हम उनसे ज़्यादा होता है, ये भी बात है। अभी क्लास में मैं चाहूँगा कि संदेश जो युवाओं के लिए, वो लोग बड़े एक आदर्श के रूप में आपको, क्योंकि एक्टिंग के क्षेत्र में, रियाज के क्षेत्र में, और भाग्य तो ही है, भाग्य के अलावा अपने घर रहते हुए आप कुछ पाए, कोई अच्छा कम से कम अपने संस्कारों को आप जीवित रखें, घर को तो अपने बना लें, कम से कम अपने समाज को बना लें, मोहल्ले को बना लें, उस पर एक संदेश। देखिए उस पर एक संदेश मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी संदेश के काबिल नहीं हूँ, किसी भी संदेश के लायक नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बोल पाऊँ या आपको कुछ कह पाऊँ या कुछ सह पाऊँ या कुछ बता पाऊँ, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक जीवन है, हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति में ईश्वर की शक्तियाँ हैं, आप उस शक्तियों को कैसे जगाते हैं उस अपनी सोच के साथ, वो आपकी सोच पर निर्भर करते हैं, आप जैसा सोचेंगे वैसा आपका जीवन बनेगा, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी आपको उस मार्ग में ले जाएगी। अगर आप खराब बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, और ख़राब चीज़ें और बेकार चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, चाहे वो उपलब्धि के रूप में हो, चाहे वो राजनीति के रूप में हो, चाहे किसी तरह के सक्सेस के रूप में हो, अगर वो नेगेटिव तरीके से आप उसको शुरू करेंगे तो भले ही आप उसमें सफल भी हो जाएं, लेकिन अंत उसका बुरा होगा। अगर आप सच्चाई के साथ अपने ईश्वर को जोड़ते हुए, अपने माता पिता के कर्मों को जोड़ते हुए, उन संस्कारों को जोड़ते हुए, सच्चाई के साथ कोई भी प्रण करेंगे तो वो सोच धीरे धीरे आपकी डेवलप होगी, उस सोच के डेवलप होने के बाद वो चीज़ें उस क्षेत्र में काम करनी शुरू हो जाएगी, वो ऊर्जा जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप भाग्यवान नहीं भी हैं तो इस मार्ग से आप अपने को वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपकी सोच के ऊपर है। लोग ज्ञान की बातें सभी करते हैं, लेकिन अपने ही परिवार में एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं, फलाने ने मुझे इतने साल पहले फलानी शादी में ये बोला था, उसने मुझे ऐसा बोला है, तो कोई कहीं अटका हुआ, कोई कहीं अटका हुआ, कोई किसी के बाल बड़े तो वहाँ अटका है, कोई गंजा है तो वहाँ अटका हुआ है, तो कोई धन पे अटका हुआ है, कोई गाड़ी पे अटका हुआ है, कोई अच्छे बॉडी एज पे अटका हुआ है, तो हर आदमी अटका हुआ है। जो जितनी जल्दी आप वहाँ से भागोगे, हटोगे, उतना आगे बढ़ोगे, तो अटकने से आप बचें। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, आपने जो अटकने और लटकने झटकने की जो बात कही, ये बहुत एक अच्छा संदेश है।